भारत समेत पूरी दुनिया इस समय बड़े आर्थिक संकट से जूझ रही है, लेकिन इसके साथ ही भारत में एक और घमासान जारी है। नए कृषि कानून को खत्म करने की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर देश के किसान करीब 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, जिसका सीधा असर व्यापार और सामानों की आवाजाही पर हो रहा है। उद्योग चैम्बर एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी एसोचैम का कहना है कि किसान आंदोलन की वजह से देश को हर दिन करीब 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान लॉजिस्टिक लागत बढ़ने, श्रमिकों की कमी, टूरिज्म जैसी कई सेवाओं के नहीं खुल पाने की वजह से हो रहा है। इसके अलावा कई राजमार्गों के बाधित होने से माल की आवाजाही के लिए दूसरे वैकल्पिक रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं, जिससे लॉजिस्टिक लागत में 8 से 10% की बढ़त हो सकती है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम और बढ़ सकते हैं। एसोचैम ने सरकार और किसान से इस गतिरोध को दूर करने के लिए कोई रास्ता निकालने की मांग की है। आई थिंक लॉन्ग टर्म द रिफॉर्म पैकेज इज नीडेड, मे बी सम ट्वीकिंग टू सैटिस्फाई ऑल द स्टेक होल्डर्स, स्पेशली द फार्मर्स लॉबी, नीड्स टू बी डन एंड कैन बी डन। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। इन रियलिटी रिफॉर्म पैकेज इज गुड, बट issues need to be clarified for the farmers to get them online and really take them along with us. हालांकि एसोचैम का दावा है कि किसान आंदोलन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे परस्पर जुड़े आर्थिक क्षेत्रों के लिए बड़े तौर से नुकसानदेह साबित हो रहा है। वे राज्य कृषि और वानिकी के अलावा फूड प्रोसेसिंग, कॉटन टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, फार्म मशीनरी और आईटी जैसे कई प्रमुख उद्योगों के भी केंद्र हैं। इन राज्यों में टूरिज्म, ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी जैसी सर्विस सेक्टर भी काफी मजबूत हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन और रास्ता जाम होने से इन सभी गतिविधियों को काफी नुकसान हो रहा है। एसोचैम के प्रेसिडेंट डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की संयुक्त अर्थव्यवस्था करीब 18 लाख करोड़ रुपए की है। किसानों के आंदोलन से इन राज्यों की आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई हैं, जिससे निर्यात बाजार की जरूरतें पूरी करने वाले कपड़ा, ऑटो कंपोनेंट्स, साइकिल और स्पोर्ट गुड्स जैसी इंडस्ट्री अपने ऑर्डर नहीं पूरे कर पा रही है। इससे वैश्विक खरीदारों में हमारे भरोसे को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं एक और उद्योग चैम्बर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली NCR जाने वाले माल को पहुंचाने में अब 50% ज्यादा समय लग रहा है। इस तरह हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब से दिल्ली आने वाले यातायात वाहनों को 50% ज्यादा दूरी तय कर आने को मजबूर किया जा रहा है, जिससे लॉजिस्टिक लागत 8 से 10% तक बढ़ सकती है। उसके अलावा दिल्ली के आसपास के औद्योगिक इलाकों को मजदूरों की कमी से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि आसपास के कस्बों में मजदूरों का कारखानों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। CII का कहना है कि पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था को किसान आंदोलन से आने वाले दिनों में काफी नुकसान हो सकता है। पहले से ही बाधित सप्लाई चेन पर अब काफी दबाव दिख रहा है, जबकि लॉकडाउन के बाद इसमें सुधार होने लगा था। अब देखना यह होगा कि इन परेशानियों को देखते हुए सरकार इस आंदोलन को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाती है।